हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरियाँ ये थी कि उनके प्लांट में अधिक ठंडी की वजह से जो नीचे के पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, उनका पौधा कमज़ोर है, पौधे में गैपिंग नहीं आ रही है, उनका पौधा चल नहीं रहा है। तो क्या क्या कारण होते हैं जिन वजहों से पौधा जाड़े में रुक जाता है, और क्या हमें रखरखाव रखने चाहिए ताकि हमारा पौधा अच्छे से चलता रहे और पत्ते खराब ना हो, तो इसी के बारे में वीडियो में डिस्कस होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा जो प्लांट है ये पेड़ी वाला प्लांट है, जिसको मैंने अक्टूबर में छोड़ा था लास्ट में, रेट देख करके। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि अच्छा रेट देख करके मैंने पहले पेड़ी छोड़ने वाला नहीं था, बाद में अच्छा रेट देख के मैंने इसमें अक्टूबर के महीने में पेड़ी छोड़ी थी। और आप देख सकते हैं कि मेरे मैनेजमेंट की वजह से ही आज अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने के बाद, अब जनवरी में, आज 3 जनवरी सन 2024 है, तो 3 महीने में ये ग्रोथ मेरे प्लांट में हुई है। एक दो स्प्रे जो मैंने इस पे किए थे उसके भी वीडियो आप लोगों को दिए हैं, कुछ नीचे से खाद दी हैं उसके भी आप लोगों को वीडियो दे चुका हूँ, और एक दो वीडियो बीच में स्किप हो गए थोड़ा काम ज़्यादा होने की वजह से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना प्लांट दिखा दूं। आप मेरा प्लांट देख सकते हैं कि अभी भी मेरे प्लांट में जिस हिसाब से 10 दिन से धूप ही नहीं निकली हमारे इधर, एक भी पत्ते पीले नहीं हुए हैं। हल्का सा पीलापन नीचे के एक दो पत्तों में दिख रहा है, और अगर आप ऊपर के पत्ते देखें तो ऊपर अभी भी पत्तों से पत्तों के बीच में गैपिंग अच्छी आ रही है, और पौधा अभी मेरा चल रहा है, अभी रुका नहीं। आप अंदर का पत्ता भी अगर बीच का देखेंगे तो ये अभी चालू है। हालांकि इस टाइम पे लगभग 2 हफ्ते में एक पत्ता निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है, तो उम्मीद ये करता हूँ कि ये इसी तरीके से चलता रहे, जाड़े में रुके नहीं, बस मैं समझ जाऊँगा कि अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि जिन लोगों के प्लांट में पत्ते पीले हुए हैं तो उसका कारण क्या है। दोस्तों, बात यह है कि हमारे इधर जितना भी नॉर्थ ईस्ट का, जितना भी उत्तर भारत है, उसमें जितना भी केला होता है, सारे केले में ठंडी बहुत असर करती है, क्योंकि हमारे इधर ठंडी बहुत होती है, तो ठंडी का प्रभाव हमारे केले के प्लांट पे दिखता है। तो हमारे इधर ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर ठंडी आ गई है तो ठंडी में अपने केले प्लांट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ना उसमें खाद की बुआई कीजिए, ना स्प्रे कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, क्योंकि ठंडी में पौधा कुछ लेगा नहीं, तो ठंडी के बाद जो कुछ होगा फरवरी और मार्च में देखा जाएगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमें जब तक हम धूप होती रहे तब तक हमें स्प्रे और नीचे से खाद सारा कुछ देते रहना चाहिए, और जब ठंडी आ जाए, जैसे धूप निकल ही नहीं रही है तो थोड़ा रुके रहिए, लेकिन जिस दिन आपको अच्छी धूप दिखे आप इस पर कुछ ना कुछ स्प्रे कर दीजिए। और ठंडी में हमारे इधर जिन लोगों के प्लांट में पत्ते नीचे के पीले हो जाते हैं, कभी कभी तो खुराक की कमी होने की वजह से, जब पौधे में नीचे से खुराक नहीं मिल पाती है जड़ों से, तब पत्ते हमारे नीचे से धीरे धीरे सूखना चालू होते हैं, क्योंकि नीचे वाले पत्ते जो होते हैं उन्हीं से पौधा थोड़ा खुराक उठाना शुरू करता है। और दूसरा एक कारण है, ठंडी में केले के प्लांट में जो सीका टोका बीमारी है वो भी बहुत तेज़ी से आती है, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो उससे भी काफ़ी पत्ते नष्ट होते हैं। तो ये सब कारण हैं जिन वजह से हमारे प्लांट रुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब रोकने के लिए हमें कई प्रकार के, मैंने आप लोगों से बताए हैं कि NPK के रेशियो आते हैं, जैसे अच्छी पैदावार के लिए NPK 12:61:0, NPK 17:44:0, NPK 19:19:19, NPK 18:18, इन सबका बदल बदल के अपने प्लांट पे छिड़काव करते रहें, साथ में कोई ना कोई टॉनिक मिला लें। जिन लोगों के प्लांट छोटे रह गए हैं वो लोग अपने खेत में 24 कैरेट वगैरह मिला के स्प्रे कर दें, बाकी कैल्शियम का स्प्रे कर दें। जब आप मान लीजिए कि जैसे जनवरी दिसंबर और जनवरी में नीचे से कुछ बुआई नहीं किया जा सकता है, आपको लगता है कि ये सब कास्टली खाद हैं, NPK DAP और ये कैल्शियम वगैरह अगर नीचे से देंगे, अगर 100% पौधा नहीं उठा रहा है तो हमारा ये वेस्ट हो जाएगा, तो आप नीचे से बुआई ना करके आप उसको हर 8 दिन पे 10 दिन पे जब भी आपको समय मिले, धूप दिखे, तो आप अपने पौधे पर ऊपर से कायदे से हर पत्ते पे, पूरे पत्ते पे स्प्रे करते रहिए, जिससे आपका पौधा ऊपर से खुराक उठाता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये सब मैंने अपने प्लांट में किए हैं स्प्रे। अभी पिछले 10 दिनों से स्प्रे नहीं हुआ है, नहीं मैं स्प्रे हर लगभग
10 से 12 दिन पे जरूर कर देता था। तो ये स्प्रे का रिजल्ट ही है, आपको दिख रहा होगा पौधा कितना हरा भरा तंदुरुस्त है एकदम। पूरा प्लांट आप देख सकते हैं लगभग अच्छी ग्रोथ आ गई है। पहले जो लोग वीडियो देखते थे उनको पता है कि पहले इतना अच्छा प्लांट नहीं चल रहा था, पहले बहुत छोटा था लेकिन अब चला है अच्छे से। तो दोस्तों और एक बात कि हर अगर आपके खेत में ये फंगस वगैरह अटैक कर रहा है तो फंगस के लिए आप जाड़े के जो अच्छे फंगिसाइड हैं जो जाड़े में डालने चाहिए, जैसे सिंगा टोका रोकने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि काब्रियोटॉप बहुत अच्छा फंगिसाइड है बासफ कंपनी का, आप उसका स्प्रे 50 ग्राम से 50 ग्राम पर टंकी यानी कि लगभग 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपने प्लांट पर स्प्रे करते रहिए। जाड़े में इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक को मिला करके जो जिसका डोज है 1 ml पर लीटर, तो इन सब चीज़ों का स्प्रे अपने प्लांट पे करते रहिए। जो NPK के रेशियो हैं इनको किस मात्रा में कैसे डालना चाहिए उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पिछले वर्ष के सारे सीरीज वाइज वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि किस महीने में अपने प्लांट में कौन सी खाद दें, कौन सा स्प्रे करें ताकि आपके प्लांट में अच्छे से ग्रोथ होती रहे। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, आज अपने प्लांट को देखने आया था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों से बात कर ली जाए, थोड़ा कम्युनिकेशन हमारा आपका बन जाए। आप लोगों की जो समस्याएं हैं आप लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो भी मेरी समझ में आ रहा था कि ये सब समस्याएं आप लोगों को इस टाइम पे आ रही होंगी वो मैंने आप लोगों को बताई। आपको जो भी समस्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।